YouTube पे जब भी आप वीडियोस देखते होंगे किसी के वीडियोस, तो उन वीडियोस में आप बहुत बार ऐसा देखते होंगे कि एनिमेशन वाले सब्सक्राइबर्स बटन आते हैं, ठीक है। यानी कि जिस तरह का सब्सक्राइबर बटन अभी इस वीडियो में आपको दिख रहा है, इस तरीके के बहुत सारे सब्सक्राइबर्स एनिमेशन आपको दिखते होंगे। तो इस तरह का सब्सक्राइबर एनिमेशन किस तरीके से आप अपने वीडियो में अप्लाई कर सकते हो, उसके ऊपर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है। उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, उस वीडियो को देख लीजिएगा। और आज जिस एनिमेशन को हम बनाना सीखने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, वो ये है। यानी कि जिस तरह का एनिमेशन अभी आपको मेरी वीडियो में दिख रहा है, ऐसा एनिमेशन। इस एनिमेशन में आपको दिख रहा होगा कि मेरे इस चैनल का नाम भी आ रहा होगा और मेरे चैनल का लोगो भी है, उसके साथ साथ सब्सक्राइबर वाला एनिमेशन भी चल रहा है। ये सब कुछ एक ही क्लिप के अंदर है, एक ही एनिमेशन के अंदर ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो और इसी के साथ साथ और भी बहुत सारे एनिमेशन्स हैं जो मैं अपनी वीडियोज़ में हमेशा ही यूज करता हूँ और आप लोग देखते भी होंगे, ठीक है। तो वो एनिमेशन्स किस तरीके से आप खुद के लिए क्रिएट कर सकते हो, किस तरीके से बना सकते हो और अपनी वीडियो में किस तरीके से उन्हें अप्लाई कर सकते हो, ये सब कुछ आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है निशांत कुमार और आप देख रहे हैं सीखो कंप्यूटर एंड टेक यूट्यूब चैनल। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। तो सबसे पहली बात कि ये जो चीज़ें हैं, ये जो एनिमेशन है, मैं आपको ये चीज़ें आपको अपने स्मार्टफोन से ही करना सिखाऊंगा, उसी के थ्रू आप ये चीज़ें अपनी वीडियोज़ में अप्लाई भी कर पाओगे। एक चीज़ और, आप मेरी वीडियोज़ में मेरे इंस्टा अकाउंट का आईडी भी देखते होगे, जैसा कि अभी आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, अभी इस फ्लैश हो रहा होगा मेरे इंस्टा का आईडी। तो इसको आप किस तरीके से क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। इसके ऊपर भी मैंने एक फुल ट्यूटोरियल वीडियो बनाया हुआ है, उस वीडियो की भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। और ये जो सब्सक्राइबर्स वाले जो एनिमेशंस होते हैं, इसको अपनी वीडियो में लगाने का फायदा यही होता है कि आप अपनी वीडियो कोई भी कैटेगरी में बना रहे हो, किसी भी कैटेगरी में आप अपनी वीडियो में सब कुछ बता रहे हो लोगों को, जो भी आपका कंटेंट है, तो हर बार आप सब्सक्राइब करने के लिए बीच बीच में नहीं बोल सकते। एक दो बार आप बोल सकते हो, बट बार बार ये चीज़ आप नहीं कर सकते हो। तो ये जो एनिमेशंस हम अपने वीडियो क्लिप में ऐड करते हैं, तो इससे हमें यही हेल्प मिलती है, लोगों को ये एनिमेशन हमेशा ही रिमाइंड कराता है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। बार बार ये रिमाइंडर डालता है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसलिए इसको हम अपने वीडियोज़ में अप्लाई करते हैं। तो अभी इस वीडियो में जो भी आपको ये एनिमेशंस दिख रहे हैं, अभी आपके डिस्प्ले पे बहुत सारे एनिमेशंस चल रहे होंगे, तो ये जो भी एनिमेशंस अभी चल रहे हैं आपके स्क्रीन पे, इनको डाउनलोड करने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इनमें से जो भी आपको पसंद है, उसे डाउनलोड करके आप अपने वीडियो में अपने एनिमेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। और सारे एनिमेशंस को क्रिएट करने का मेथड एक ही होता है, एक ही तरीके से ये सब कुछ क्रिएट किया जाता है। तो वो तरीका क्या है, किस तरीके से इसको क्रिएट करना है अपने चैनल के लिए, अपने चैनल के नेम और लोगों के साथ, और किस तरीके से इसको आप अपने वीडियो में अप्लाई करोगे, वो सब कुछ इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। तो चलिए सीधे चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन पे और सब कुछ वन बाय वन करके सीखते हैं। सबसे पहले क्या करना है आपको कि जो भी लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई हैं एनिमेशन वाली, उनमें से किसी भी एनिमेशन को आपको डाउनलोड करना है, जिसका भी आप यूज करना चाहते हो। उसके बाद हम काइनमास्टर ओपन करेंगे, यहाँ पे प्लस पे क्लिक करेंगे और ये वाला रेशियो 16:9 वाला सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये जब काइनमास्टर ओपन होगा, उसके बाद हम यहाँ पे मीडिया पे क्लिक करेंगे। मीडिया पे क्लिक करने के बाद जो एनिमेशन अभी आपने डाउनलोड किया है, उसको यहाँ पे क्लिक करके सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे टिक मार्क कर देंगे, वीडियो के स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाएंगे। जब हम यहाँ से वीडियो को प्ले करते हैं, तो देखिए हमारा एनिमेशन जो है कुछ इस तरीके से आपको दिखता है, ठीक है। तो अब क्या करना है कि इसमें हमें अपना प्रोफाइल पिक्चर भी लगाना होगा, ठीक है। तो वीडियो यहाँ पर हमारी आकर रुकती है, तो यहीं पर हम करके रहने देते हैं। उसके बाद लेयर पर यहाँ पर क्लिक करेंगे, मीडिया पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपने जहाँ कहीं पर भी अपना वो प्रोफाइल पिक्चर रखा हुआ है अपनी गैलरी के अंदर, वहाँ पर जा करके आपको अपने उस प्रोफाइल पिक्चर को सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। तो मेरा प्रोफाइल पिक्चर ये रहा, मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है आपको क्रॉपिंग का, ठीक है। क्रॉपिंग पे क्लिक करेंगे आप, उसके बाद यहाँ पे मास्क वाले ऑप्शन को इनेबल कर देंगे, ठीक है। मास्क वाले ऑप्शन को इनेबल करने के बाद यहाँ पे शेप में आएंगे। शेप में देखिए यहाँ पे एक सर्कल का ऑप्शन है, सर्कल वाले पे सिलेक्ट करता हूँ मैं, तो मेरे फ़ोन में ये चीज़ें अच्छे तरीके से शो नहीं हो रही हैं। अगर आपके फ़ोन में सर्कल अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है, तो सर्कल वाला ऑप्शन ही सिलेक्ट करना है आपको। अगर नहीं करेगा तो स्क्रॉल करके ऊपर आएंगे और यहाँ पर ये जो ऑप्शन है इसको सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। कुछ इस तरीके से हमारी प्रोफाइल पिक्चर हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे टिक मार्क कर देंगे। उसके बाद प्रोफाइल पिक्चर को हम सिलेक्ट करके इसको छोटा करेंगे। छोटा करके ये जो हमारा पट्टी दिया हुआ है एनिमेशन पे, ये जो वाइट जो है हमारा एनिमेशन, इसके ऊपर हमें इसको सेट करना है। तो इसी के अकॉर्डिंग इसका हाइट और लेंथ हम कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, इस पिक्चर के ऊपर हम क्या लगाएंगे, एनिमेशन लगाएंगे, ठीक है। तो एनिमेशन पर क्लिक करेंगे और उसके बाद
स्क्रॉल करके आएंगे आप और यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलता है स्लाइड अप, इस पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। देन यहाँ पे टिक मार्क कर देंगे, ठीक है। इमेज जो है हमारी इमेज यहाँ तक हो जानी चाहिए, वीडियो जहाँ से हमारी शुरू हो रही है वहाँ से हमारी इमेज हो जानी चाहिए, ठीक है। अब मैं वीडियो को स्टार्ट से प्ले करता हूँ, ठीक है। तो हमारी इमेज भी यहाँ पर इस तरीके से साथ साथ आ रही है, ठीक है। और यहाँ लास्ट तक हमारी इमेज यहाँ पर इस तरीके से आएगी, ठीक है। तो इमेज तो आ रही है बट जा नहीं रही है, ठीक है। उसके लिए क्या करेंगे, इमेज को फिर से हम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। इमेज को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है आउट एनिमेशन, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा स्लाइड डाउन, ठीक है। स्लाइड डाउन का ऑप्शन मिल रहा है, स्लाइड डाउन को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ से ये नीचे जा रहा है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे टिक मार्क कर देंगे, ठीक है। अब मैं इस एनिमेशन को प्ले करके दिखाता हूँ, तो ये एनिमेशन इस तरीके से हो रहा है, सब्सक्राइब भी हुआ, ठीक है। उसके साथ साथ वो चला भी जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। अब क्या करना है, हमें इसमें टेक्स्ट लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं, उसके बाद लेयर पे क्लिक करेंगे, टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और आपके चैनल का जो भी नाम हो वो आप लिख दोगे। जैसे मेरे चैनल का नाम है सीखो कंप्यूटर एंड टेक, तो मैं यहाँ पे अपने चैनल का नाम फटाक से लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे नेम लिखने के बाद देन ओके प्रेस करेंगे। उसके बाद यहाँ पे ए वाले पे क्लिक करेंगे और आप जो चाहो वो फॉन्ट सिलेक्ट कर सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। यहाँ पे उसके बाद टिक मार्क कर देंगे और ये जो वाइट कलर का हमारा टेक्स्ट है इसका कलर हम चेंज कर लेंगे। तो कलर चेंज करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे टाइप करेंगे और यहाँ पे टाइप करने के बाद आप कोई सा भी कलर सेलेक्ट कर सकते हो, रेड, ब्लू, ब्लैक, जो आपको सही लगे। मैं ब्लैक सेलेक्ट करता हूँ, देन टिक मार्क कर देता हूँ, ठीक है। अब ये हमारा नेम ब्लैक कलर में हो गया, ठीक है। इसको हम इस तरीके से छोटा कर देंगे, ड्रैग करके छोटा कर देंगे, ठीक है। और इसको इसके बीच में लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पर हमने यहाँ पर इसको इस तरीके से लगा दिया, ठीक है। हमारे चैनल का नाम भी यहाँ पर हो गया। उसके बाद इस पर भी हम क्या करेंगे, सेम एनिमेशन लगाएंगे, ठीक है। इन एनिमेशन पे क्लिक करेंगे और पहला एनिमेशन लगेगा स्लाइड अप, ठीक है। इसको हमने लगा दिया, देन टिक मार्क कर देंगे, ठीक है। और ये भी टेक्स्ट एकदम से स्टार्ट होगा, ठीक है। और इसी टेक्स्ट पे हम दूसरा एनिमेशन लगाएंगे, यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे और आउट एनिमेशन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे एनिमेशन लगाएंगे स्लाइड डाउन का, ठीक है। स्लाइड डाउन हमने लगा दिया, देन टिक मार्क कर दिया। अब देखिए हम वीडियो के स्टार्टिंग पॉइंट पे आ गए, ठीक है। तो हमारा एनिमेशन लगभग कंप्लीट हो चुका है, मतलब कि इसी तरीके से आपको क्रिएट करना है। आप जिस भी एनिमेशन का यूज़ करो उस तरीके से यहाँ पे इसको यूज करना है, ठीक है। तो ये चीज़ें जब हो जाएंगी तो आपको इस वीडियो को एक्सपोर्ट करना है। तो एक्सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक करेंगे आप। उसके बाद सब कुछ ये HD 720p में रख सकते हो आप, या फिर 1080 में भी रख सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। और ये 10.14 MB या फिर 12 MB तक इसको रखेंगे। उसके बाद एक्सपोर्ट पे क्लिक करने देंगे। जब ये एक्सपोर्ट हो जाएगा तो आपकी गैलरी में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसको यूज कैसे करना है, ठीक है। तो इसको मैं अब आपको अपने वीडियो में यूज करना बताता हूँ, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम बैक आते हैं यहीं पर, इन सबको मैं डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद मैं मीडिया पर क्लिक करके कोई भी एक वीडियो ले लेता हूँ, ठीक है। मान लीजिए कि ये वाली वीडियो मैंने यहाँ पर ले ली, ठीक है। ये वीडियो हमारी आ चुकी है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पे हमें वो एनिमेशन अप्लाई करना है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, जब भी आपकी वीडियो आ जाएगी और आपकी वीडियो में वो जहाँ पे भी आपको लगाना है, मान लीजिए कि मुझे यहाँ पे लगाना है, तो मैं यहाँ पे आऊँगा, लेयर पे क्लिक करूँगा, मीडिया पे क्लिक करूँगा। उसके बाद जो अभी फाइल हमने एक्सपोर्ट किया, तो हमारी फाइल ये रही, ठीक है। हमारी फाइल ये रही, इसको हमने क्लिक किया। देन ये फाइल जब यहाँ पर आ जाएगी, तो उसके बाद इधर स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर क्रोमा की का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद इसको यहाँ से इनेबल कर देंगे, ठीक है। जैसे ही इनेबल करेंगे ये यहाँ अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद टिक मार्क कर देंगे। अब मैं अभी वीडियो को प्ले करूँगा, देखिए ये ऑटोमेटिक यहाँ पे आया, सब्सक्राइब भी हुआ, सब कुछ हुआ, ठीक है। और वो ऑटोमेटिक नीचे भी चला जाएगा, ठीक है। तो इसको अब चाहो तो यहाँ पर जब ये चीज़ें यहाँ पर शो हो रही हैं यहाँ पर, तो इसको आप इस तरीके से सिलेक्ट करके यहाँ पे इसको जहाँ मर्जी करे वहाँ पे अपने वीडियो में लगा सकते हो। इसको छोटा या फिर बड़ा भी कर सकते हो। तो अब आप भी सब्सक्राइबर एनिमेशन बनाना सीख चुके हैं कि किस तरीके से इन चीज़ों को क्रिएट किया जाता है अपने चैनल के लिए, या फिर अपने वीडियो में इन्हें किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो। तो नेक्स्ट टाइम से जब आप अपनी वीडियो को एडिट करना, तो उस टाइम इसको आप अपने वीडियो में जरूर अप्लाई करना, ताकि लोगों को हमेशा रिमाइंड हो सके कि चैनल को भी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक भी करना है, ठीक है। और ये चीज़ें आप भी जरूर कीजिएगा, यानी कि ये वीडियो आपको अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा, ठीक है। और अगर आपके किसी भी तरीके के सवाल रह जा रहे हैं, या फिर अगर आपको किसी भी अदर टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, मैं आपको उन टॉपिक्स के ऊपर वीडियोज बना करके दूंगा, इसी चैनल पर अपलोड करूंगा। तो आप अपने कमेंट्स कर सकते हो, ठीक है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं इसी तरीके किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।